सचेतक महोदय ने समय निश्चित किया है, वो आसन के सामने रखा हुआ है। 5 मिनट भी है, 10 मिनट भी है, ज्यादातर का 5 मिनट है। 5 मिनट होने की स्थिति में 1 मिनट पहले मैं बोल दूंगा कि आप अपना कंक्लूड कर लीजिए। समय के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। थैंक यू। हरेंद्र नीनामा जी, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि विधानसभा क्षेत्र घाटोल ही नहीं बल्कि पूरा उदयपुर संभाग आदिवासी इलाका है, जिसके अंदर जो घोषणाएं की गई हैं, वर्तमान में भी की गई हैं, पूर्व में भी की गई हैं, लेकिन धरातल स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथी बंधु लाहौटी जी ने अभी जो आंकड़े बताए हैं, पूरे राजस्थान के अंदर हर विभाग के आंकड़े बताए, मैं लाहौटी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसलिए मैं उन आंकड़ों की तरफ नहीं जाता हूं कि लाहौटी ने जिन्हें पूरा ही बजट का जिक्र ही सदन के माध्यम से कर दिया है। मेरा तो इतना ही निवेदन है माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैंने लंबे समय से हमारे आदिवासी इलाका घाटोल विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उसमें उपखंड स्तर पर एक महाविद्यालय सरकारी खोलने की बात तो बार बार मैंने कहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दरकिनार करते हुए उसमें नाम तक नहीं लिया घाटोल उपखंड स्तर पर महाविद्यालय खोलने के लिए। इसलिए मैं जोरदार उनका विरोध भी कर रहा हूँ। मेरे साथियों द्वारा ये बात भी कही गई है, सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा कि गाय माता के नाम से वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी करते हैं। हम तो करते आए हैं, हमारा संगठन आगे भी करता रहे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। मैं मांग करता हूं हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर माही डैम उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, नहरों की हालत खस्ता बनी हुई है। पूर्व हमारी सरकार थी उस समय LMC और RMC दोनों केनालों का पेवर पद्धति के माध्यम से उन दोनों ही माइनरों का मरम्मत का कार्य किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो छोटी माइनरें पड़ी हुई हैं उनमें इस बजट के अंदर कहीं प्रावधान नहीं किया है। बांसवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों की जो माई के विस्थापित लोग हैं उनको कुआनिया गांव के अंदर 40 साल से पड़े हुए हैं, उनके विस्थापित को जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई। कडणा के लोग विस्थापित पड़े हुए हैं, उनकी जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई। श्री सरकार जमीन आज तक अलॉट नहीं की गई। मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक विशेष अभियान चालू करके आदिवासी इलाके के अंदर जमीनों का आवंटन करने का प्रावधान इस बजट के अंदर करने का मेरा आग्रह है। मेरा एक और निवेदन है माननीय सभापति महोदय, उदयपुर संभाग में आदिवासी अनुपात में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग लंबे समय से विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये ज्ञापन हमको मिल रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों को मिल रहे हैं कि आरक्षण उस जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाए, लेकिन ये इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया। ये भी मेरा आपसे निवेदन है। मेरा निवेदन है कि घाटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में घाटोल गंदोड़ा खमेरा नरवाली घंटाली प्रतिपुरा पीपलकोट में डॉक्टर नर्स के पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की मांग करता हूं। साथ ही सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार से अनुरोध करता हूं कि नॉन कमांड 1 मिनट ओनली प्लीज। सर बोला है 1 मिनट ही बोला हूं मैं तो अभी। नॉन कमांड क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में लिफ्ट परियोजना के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, एराव नदी एनीकटों के माध्यम से किसानों के पानी देने की मांग करता हूं। बिजली के विभाग के माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से कि मेरी विधानसभा में ही नहीं पूरे राजस्थान के किसानों को बिजली 20 घंटे देने की मांग करता हूं। आज किसान परेशान है, रात को बिजली दी जा रही है, किसानों की हत्याएं हो रही हैं, किसानों के जानवर काट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बिजली विभाग के अंदर किए गए ये कार्मिक ठेका प्रथा
उनको खत्म करके नए सिरे से सरकारी नौकरी उनको दी जाए और पूर्ण जोर बिजली विभाग में कार्मिकों को पूरी व्यवस्था दी जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरा एक और निवेदन है कि परिवहन विभाग बांसवाड़ा में 2013 के बाद में यातायात विभाग में आज तक कोई बजट का प्रावधान नहीं होने की वजह से वहाँ बसों का संचालन में काफी दिक हो रही है, यात्रियों की समस्या का समाधान हो रहा है, बजट बसें खरीदी नहीं जा रही है। इसलिए मेरी मांग है कि वहाँ पर बजट का प्रावधान किया जाए। आपने मुझे बजट 2023